बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस ये कंटिन्यू है सिलसिला। इस हवाले से अभी इनवर्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस इनकी बात होनी है, प्लस इस डायग्राम से देख के हमें कैसे पता चल जाएगा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है, अपर टाइप। तो ये थोड़ा सा सिलसिला इस हवाले से। हाँ जी, फिलहाल पोजीशन वही है, ये एक सेट 1 2 3, ये उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, और अगर हम इसकी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करें तो ये उसी तरतीब से जिस तरह से ये आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, ये सारे पेयर उठा के उसी तरतीब से लिख दिए हैं। हमें इससे ना एक ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि इसकी जगह ये आएगा, इसकी जगह ये आएगा, और अगर फिर भी हमें कुछ ऑब्जर्वेशन ना हो तो फिर इस तरह का कंसेप्ट ले लिया करें, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, like this, जो जनरली मैट्रिक्स लिखने का तरीका है। तो उससे भी आपको ये ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी 1 1 1 2 1 3, ये किस तरतीब से हम चल रहे हैं, कौन सा एलिमेंट किसकी जगह फिल किया जा सकता है। तो इस हवाले से ये एक रिलेशन दिया गया है मैट्रिक्स फॉर्म में। हमसे पूछा गया है चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, फाइंड आर इनवर्स, फाइंड आर बार एंड एक्सप्रेस इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये हमें डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए इस डायग्राम से। चलिए जी, हस्बे मामूल अगर कुछ ना समझ आए, डायग्राम से हम अपने आप को क्लैरिफाई ना कर पाए, डायग्राम हमें हेल्प आउट ना करे, लाजमी हेल्प आउट करेगी जब आप अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे, आप अपना वर्किंग कंप्लीट कर लेंगे, तो कोई वजह नहीं आपको डायग्राम देख के, मैट्रिक्स देख के सब कुछ का पता ना चले। लेकिन ये उस सेंस में है ना कि अगर कोई बच्चा थोड़ा सा डिस्टर्ब है, उसको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, तो फिर क्या हाल है, फिर आप यहां से रिक्वायर्ड जो इसका रिलेशन बनता है रेलेवेंट वो लिखने। ये लीजिए आर फॉर रिलेशन, एम फॉर मैट्रिक्स, ये इसी रिलेशन की मैट्रिक्स बनी हुई है, ये आर उस रिलेशन की वैल्यू है। कैसे लिखी गई ये देखिए, ये वन है, इसका मीनिंग क्या हुआ, वन वन ये यहां है, वन टू है, वन थ्री नहीं है, नहीं लिखा, टू वन है, 2 2 है, 2 3 है, 3 1 नहीं है, 0 है ना, नहीं है, 3 2 है, 3 3 है, ये इसके मुताबिक जो ये अभी तरतीब बताई, इससे लेने या इस तरह समझ लें, आपको इससे ये एक रिलेशन मिल गया। अच्छा जी, जब आप इस रिलेशन पर पहुंच चुके तो यहां से तो फिर वही सिलसिला शुरू हो गया ना, जब हम ये स्टार्ट कर रहे थे इस वर्किंग के हवाले से अबाउट रिलेशंस, तो वहां नहीं हमने सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एक्सेट्रा कितनी ही क्लासिफिकेशन की, सब तरह के हमने ये क्लियर किए। तो जब रिलेशन सामने आ गया, सेट पीछे 1 2 3 क्लियर है, तो अब फिर कोई मसला ही नहीं। ये देखिए 1 1 2 2 3 3 तीनों पेयर मौजूद है, इसलिए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, यानी कि वर्किंग आपको वही दिखाई, इट इज रिफ्लेक्सिव, क्लियरली वो तीनों पेयर मौजूद हैं। क्लियरली इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर किसी रिलेशन में इस तरह का 1 2 AB पेयर मौजूद हो, यानी कि ये लिंक था, अगर ए बी किसी जगह मौजूद हो तो बी ए लाजमी होना चाहिए, अगर ए बी के साथ बी ए भी है हर जगह पे थ्रू आउट, देन इट इज सिमेट्रिक। तो ये देखिए 1 2 2 1 है, 2 3 3 2 है, जो ये सेम नंबर है 3 3, इनकी जगह बदलने से तो फर्क ही नहीं पड़ता, जगह बदल के वो एलिमेंट वहां होने चाहिए। सो इससे पता चल चुका इट इज सिमेट्रिक। उसके बाद नॉट एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक की रीजन क्या होती है कि अगर कोई इस तरह का नॉन इक्वल एलिमेंट का पेयर वहां आ जाए तो फिर यूं होगा, 1 2 मौजूद है, 2 1 यानी कि नॉन इक्वल एलिमेंट का पेयर जगह बदल के मौजूद है, लेकिन ये 1 और 2 सेम तो नहीं है ना, इसलिए ये आपको निगेशन मिल जाती है। सो इट इज नॉट एंटी सिमेट्रिक, ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है।
कि आपने इस तरह से क्लासिफिकेशन रिलेशन बना के सारा कुछ हैंडल कर दिया, तो कोई इतना लंबा चौड़ा टास्क नहीं है। बिल्कुल अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह वर्किंग भी नजर आ जाती है। एमसीक्यू में ही टाइम बचाना होता है ना, शॉर्ट क्वेश्चन में तो कुछ ना कुछ लिख के देना पड़ता है, तो इसलिए फिर ऐसी लैंग्वेज यूज करें और अपनी असाइनमेंट्स में भी यही काम करें। उसके बाद आर इनवर्स पूछा गया, तो आर इनवर्स क्या होता है, इस रिलेशन में एलिमेंट की जगह बदलनी होती है। ये देखिए 1 1 की जगह बदलेंगे वही आ गया, 1 2 2 1 हो गया, 2 1 इनकी जगह बदली 1 2 हो गया, 2 2 में वही रहेगा, 2 3 की जगह क्या हो जाएगा 3 2, 3 2 की जगह क्या हो जाएगा 2 3, 3 3 एज इट इज। ये आपके पास जो आर इनवर्स है उसमें एलिमेंट की जगह बदलनी होती है। अब उसकी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, मैट्रिक्स ऑफ आर इनवर्स, तो ये पेयर मौजूद है, ये देखिए 1 1 पहला नंबर, 1 2 दूसरा, 1 3 3 2 1 2 2 2 3, तरतीब से देखते जाइए। यानी कि लिखने में 1 1 1 1 की प्लेसमेंट कैसे आएगी, ये देखिए ये प्लेसमेंट है 1 1 की, ये 1 2 की, ये 1 3 की, ये 2 1 की, ये 2 2 की, ये 2 3 की, ये 3 1 की, ये 3 2 की और ये 3 3 की, ये प्लेसमेंट है। इसको कोई किसी तरह से लिख ले, अगर कोई ये देखना 1 1 यस, तो इसके खाते में क्या आएगा, यहाँ पर 1, आगे 2 1 ये 2 1 है, ये 1, आगे 1 2 ये 1, 2 2 ये 1, 3 2 ये 1, 2 3 ये 1, 3 3 ये 1, ये जितने एक मौजूद थे उनकी जगह पर इनके गेंस फिलिंग हो चुकी, जो बाकी बच गए उनकी जगह 0। तो ये आपके पास इनवर्स के हवाले से जो ऊपर रिटन फॉर्म में मौजूद है वो सामने है। इस तरह से ये एम आर इनवर्स बन गया। ये काफी कोशिश अब हो चुकी है कि आपको इस तरह ये रिलेशन से मैट्रिक्स लिखनी आ चुकी है 0 1 की, और 0 1 मैट्रिक्स मौजूद हो तो उससे वापस रिलेशन बनाना आ जाएगा। इसी तरह आर बार पूछा गया है, तो आर बार के हवाले से जो आर बार है वो यूनिवर्सल रिलेशन में से माइनस करना है इस आर को, यूनिवर्सल रिलेशन माइनस आर, इट इज आर बार। यूनिवर्सल क्या होता है, ये टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये आपके पास हो चुका एंड तक के तमाम 9 पेयर लिख दिए आर के साथ यूनिवर्सल रिलेशन। फिर आर बार क्या होगा, उसमें से आर को माइनस कर देना है। तो जब आर को माइनस करेंगे आर वाले एलिमेंट ये ड्रॉप कर दें, बाकी बचेंगे आपके पास ये दो। इन दो की अब मैट्रिक्स कैसे बनेगी, 1 3 कहाँ होगा, ये देखिए 1 3 इस जगह, 3 1 कहाँ होगा, इस जगह, यानी कि ये एंड्स पे 1 आएगा, ये एंड्स पे 1 है, बाकी सब 0s। और अगर कोई डायरेक्ट डील करना चाहता है तो जाहिर है ये देखिए, जब ये सारे डायगोनल एलिमेंट मौजूद हों 1 1 2 2 3 3 वही होते हैं ना, तो उससे पता चल गया इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, इसके अगेंस्ट इधर, इसके अगेंस्ट इधर, इसके अगेंस्ट इधर, जो डायगोनल हाइड करके एलिमेंट की जगह देखी जाती है, बिल्कुल वही तरीका जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करने का तरीका है, 100% उससे डायरेक्ट जजमेंट हो जाएगी। ये देखिए जो आपका रिलेशन होता है यूनिवर्सल वो इस तरह बनेगा, जिसमें तमाम पेयर्स लिखने हैं, तो तमाम पेयर्स लिखने का मतलब क्या होगा, सबके सब मौजूद हैं, तो ऑल वंस इससे वो माइनस किया जा सकते हैं। यानी कि अब आप बात समझ सकते हैं सिमेट्रिसिटी, एंटी सिमेट्रिसिटी, रिफ्लेक्सिविटी एक्सेट्रा, ये सब कुछ आप उस डायग्राम को देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख के जजमेंट कर सकते हैं कि ये किस टाइप का रिलेशन है, और इस वजह से इस मैट्रिक्स की थ्योरी को साथ एंगेज किया गया। प्लस ग्राफ थ्योरी में ये बहुत काम की चीज़ें होती हैं, उस वक्त फिर नए सिरे से कोई नहीं पढ़ाएगा, यहाँ पर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन चल रही है। कंप्यूटर अडॉप्टिंग सिस्टम में 0 1 का नाम भी आपके सामने है, कंप्यूटर में जब किसी चीज़ को यस शो करना हो कि मौजूद है तो वो 1, अगर एब्सेंस शो करनी हो तो 0, ये कुछ वो कंसेप्ट भी साथ ऐड हो रहा है। इस तरह से ये टू मैनी वैल्यूज आर्टिकल्स आपके लिए इन फ्यूचर पर्पज आपके साथ चल रहे हैं, तो इस स्ट्रक्चर को देखते हुए इन चीज़ों को हैंडल कीजिए। अगर कोई कहीं मसला है तो वेलकम, बताइए,
जरूर हल होगा, विद इन नो टाइम हल होगा। अगर सब ठीक है तो फिर अपने काम को जारी रखिए। इन एग्जांपल्स को देखते हुए बैठे बैठाए घर में यूं ना समझिए कि हमारा काम फ्री में हो रहा है। ज़रूर बैठे हैं, बिस्तरे में बैठे हैं, चाय पिए, साथ साथ अपना काम ज़रूर करें, बुक खोलें और इन चीज़ों को देख के ऑनवर्ड चलाएं। बंद ना करके बैठ जाएं कि बस ठीक है, इसी से मसले हल होने हैं। थैंक यू वेरी मच।